नमस्कार दोस्तों, एक और टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो हमारा ब्लड पेरेट चिकलेट होती है, जिसको हम नॉर्मली और भी बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, जैसे आपका ब्लडी पैरेट चिकलेट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लडी पैरेट फिश भी बोलते हैं, ठीक है, जेली बीम पैरेट फिश बोलते हैं, और जेली बीम पैरेट चिकलेट भी बोलते हैं, ब्लड पैरेट फिश भी बोलते हैं इसको। अब इस फिश को हम रखने के लिए आपका एक वाटर का कंडीशन होता है दोस्तों, तो वाटर कंडीशन में बहुत सारे चीज़ें आते हैं, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में वाटर कंडीशन के बारे में, ये जो हमारा ब्लड पैरेट चिकलेट के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसको भी दबाना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिटेल्स में। दोस्तों ये जो फिश को रखने के लिए वाटर कंडीशन में, पहली तो आपको बता दूं टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है, और आपका जो पीएच रेंज होता है और पानी का हार्डनेस होता है, ये सारा जो चीज़ें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और पानी का आपका एक बता दूं वाटर चेंजेस, वाटर मूवमेंट, ये सब भी जो है बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस फिश को रखने के लिए आपका जो वाटर का टेम्परेचर है, मतलब आपने पानी डाल दिए हैं और आपको पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर आपको बता दूँ दोस्तों, आप जो है 21.1 मतलब 21.1 से लेकर 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं, और आपका जो मतलब हीटर में उसमें फारेनहाइट में दिखा रहा है, तो ज़्यादातर हीटर में जो है वो डिग्री सेल्सियस में ही दिखाता है, लेकिन आपका फारेनहाइट में दिखा रहा है, तो आपको ये 70 से लेके आपका 82 तक, मतलब 70 to 82 डिग्री फारेनहाइट तक आप इसको रख सकते हैं। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नॉर्मली अभी जो एडवांस हीटर आ चुका है उसमें एक रेगुलेटर रहता है, देखिएगा दोस्तों उस रेगुलेटर से क्या करना है आपको, एडजस्ट कर देना है ये जो मैंने टेम्परेचर बताया उसी में, किसी बीच में एक टेम्परेचर को एडजस्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसका पीएच रेंज क्या होना चाहिए आपका पानी का। तो पीएच रेंज जो है दोस्तों वो आपका जो है 6.5 से लेकर 8.0 तक आपका पीएच रेंज होना चाहिए, और पानी का जो हार्डनेस रेंज है वो आपका 2 से लेकर 25 तक होना चाहिए, मतलब 2 to 25 तक आपका जो पानी का जो हार्डनेस है वो होना चाहिए। ये दोनों जो चीज़ें हैं, टेम्परेचर तो आप जो आपका हीटर है उसमें आप एडजस्ट कर देंगे, तो अभी सारा एडवांस हीटर आ चुका है कि उतना टेम्परेचर होने के बाद वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, बाद में थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ये तो सभी लोगों को पता है, ये नॉर्मली आप खुद कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीएच वैल्यू है और जो पानी का हार्डनेस है, इसके लिए आपको कुछ डिवाइसेस मिलती है मार्केट में, जो पेट शॉप में आपको जाकर बोलना कि ये जो पीएच रेंज और पानी का हार्डनेस मुझे मेज़र करना, तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस मिलते हैं, तो उस डिवाइस को आप लाके आपका पानी के अंदर आप उसको रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका आप जो पानी का रेंज है ना उसमें चेक कर पाएंगे हार्डनेस कितना है, और आपका जो है जो मतलब पीएच वैल्यू है, ये सारा चीज़ें जो है चेक कर पाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं पानी का जो मूवमेंट है वो क्या रखेंगे। तो ये जो फिश है दोस्तों, ये क्या है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, फिन बहुत छोटे हैं, तो इनके लिए इसलिए क्या है, पानी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल आपको वीक रखना पड़ेगा, मतलब पानी का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा मूवमेंट आप करेंगे पानी का तो फिश जो है एक तैरने का जो उनकी कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में जो है आपका फिश को जो है डिजीज़ आ सकता है, मर भी सकते हैं फिश। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी आपको लो रखना पड़ेगा, मतलब लो मतलब वीक रखना पड़ेगा, ज़्यादा हाई नहीं या ज़्यादा नहीं। आप समझ लीजिए कि आपके पास एक 2 या 2.5 फीट का एक्वेरियम है, उसमें क्या है, एक आपने पावर हेड फिल्टर लगाए हैं, ठीक है, पानी के अंदर, उस पावर हेड फिल्टर में एक जो बबल ऊपर से निकलता है तो उसमें जितनी फ्लो होती है, मतलब आपके पास एक छोटे पावर हेड फिल्टर है तो उसमें जितना बबल्स निकलता है, जितना पानी का फ्लो है वो आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा कोई वेव मेकर वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, अब पानी कब चेंज करेंगे, ये जो फिश है इसको रखने के लिए पानी का चेंजेस के लिए आपको बता दूं 20 to 25% जो पानी है दोस्तों ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कब चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा आपका एक्वेरियम में कितने गंदगी हो रही है, और कितना मतलब उसमें जो आपने क्या क्या सेटअप कैसे किए हैं, मतलब ग्रेवल डाले हैं या सैंड्स डाले हैं उसमें, या तो आपने जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम में इसको सेटअप किए हैं कि प्लांटेड एक्वेरियम में सेटअप किए, वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो इनकी वाटर चेंजेस है वो सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वीकली आपको जो है 20 से 25% पानी आपका जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पानी कभी भी चेंज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी का आप ज़्यादा चेंज करेंगे, क्वांटिटी को ज़्यादा आप कर देते हैं तो होता क्या है, कुछ डिजीज आने लगता है या आपका फिश जो है वो मर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी का केमिस्ट्री वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए जो है मर सकते हैं आपका फिश। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का मैंने देखा फिश जो है मर जाते हैं, तो बिल्कुल भी दोस्तों मैं जो वीडियो भी आपको बता रहा हूँ आपको क्या है, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो आप छोटे से थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और तुरंत वही काम चालू कर देंगे तो बिल्कुल भी आप जो है, और ये फिश को देखिएगा आप रखने के बाद आपका एक्वेरियम जो आप
पानी चेंज कर रहे हैं ना, पानी चेंज करने के बाद एक चीज़ होता है आपका क्या है, टैंक आप साफ़ करते हैं अंदर से कुछ होता है कि टैंक जो है वो गंदा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है आप जो हमारा स्पॉन्ज आता है ना नॉर्मली, उस स्पॉन्ज के यूज़ से आप ये कर सकते हैं, मतलब क्लीन कर सकते हैं। कभी भी हाथ डाल के मत घिसिए अंदर, या तो एक मैग्नेट आता है देखना ठीक है, जो कि अंदर एक मैग्नेट रहता है और एक बाहर मैग्नेट रहता है, उसके सामने एक स्पॉन्ज रहता है ठीक है, स्पॉन्ज मैग्नेट उसको बोलते हैं, आप पेट शॉप में आपको मिल जाएगा ठीक है। तो वो जो स्पॉन्ज या मैग्नेट जो होती है ना उसको एक बाहर रहता है एक अंदर रहता है, तो उसको अंदर आप रखिए, पानी के ऊपर रखिए, जैसे पानी के अंदर वो डीप होकर कभी ना रहे, जब भी उसको आप चाहिए होगा क्लीन करना तो उसको नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, वो अपने आप बाहर वाले जो होती है ना उसके साथ अटैच होकर रहता है, आप जब भी बाहर से ही उसको क्लीन करेंगे ना तो अंदर वाला भी मैग्नेट है वो क्लीन होता चला जाएगा ठीक है। तो आपको हाथ डालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका फिश जो है लॉन्ग टर्म में आप लंबा समय तक जो है ज़िंदा रह सकते हैं, फिश बहुत टाइम तक ज़िंदा रहते हैं दोस्तों इनका। अप्रोक्स आपको बता दूँ लाइफ जो होती है ना करीबन 10 साल होती है, और आपका केयरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना होता है। तो आप वाटर चेंज जो है बिल्कुल आपका मैंने बताया आपको 20-25% आपका वाटर चेंज जो है वो होना चाहिए। तो आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आपका जो वाटर का कंडीशन है वो क्या होना चाहिए आपका जो ब्लड पैरट चिकलेट के लिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिल गया होगा इसके बारे में। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।